इधर ये हमारे सामने क्वेश्चन है, sec a plus tan a into 1 minus sin a is equal to cos a हमको प्रूफ करना है। सो ये हमारा LHS हम लेंगे इसमें, sec a plus tan a into 1 minus sin a। सो sec a को हम लिख सकते हैं 1 upon cos a, प्लस tan a को हम लिख सकते हैं sin a upon cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। सो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए आ जाएगा एलसीएम, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सो इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सो ये कॉस स्क्वायर ऊपर है, कॉस ए नीचे है, तो हमारा एक कट जाएगा और ये आ जाएगा कॉस ए, जो कि हमारा आरएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना। देखिए इधर अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका ये सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा sec स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 अपॉन sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए। सो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमारा RHS के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था।